वेलकम बैक फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दिवाली दिन का ये ब्लॉग है। दिन में हम माँ बेटी मंदिर गए थे और ये मंदिर में थोड़ा दिया आरती करके हम घर को आए थे। उसके बाद सिंपल सेलिब्रेशन हुआ था घर में, जिसका एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ लाइट डेकोरेशन का। और आप सबका दिवाली सेलिब्रेशन कैसे गुजरा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो आशा करती हूँ ये जो दिवाली दिन के जो दिया हम जलाते हैं, उसी दिए से हर किसी का जो मुसीबत है, दुख है, दर्द है और जो जिन लोगों का कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए और चारों तरफ अज्ञान अंधकार दूर होके ये जो दिया है उसकी रोशनी से उजाला ही भर जाए। और ये मंदिर को हम दिन के टाइम गए थे, इसीलिए कुछ अंदर का व्यू मैं ले पाई हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। और बहुत अच्छा एक वाइब्रेशन मुझे मिला था उस दिन। और मैं चारों तरफ का जो उसका आर्ट हुआ है मंदिर के चारों तरफ वॉल में, उसको भी मैं कैप्चर की हूँ, आगे आप लोगों को क्लिप्स में दिखाऊंगी। और जो जो मंदिर के चारों तरफ है वो मूर्तियाँ, उसको भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है अभी से एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए। और जो ऑल ऑप्शन आएगा, ऑल ऑप्शन को क्लिक करने से आप हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी ये मंदिर का व्यू थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। और अभी ये इवनिंग टाइम का व्यू है। इस तरह लाइट डेकोरेशन किया गया था बाहर में, बाहर का जो एंट्रेंस है। और आगे ये लाइट डेकोरेशन के साथ दीपक कैसे हम लगाए थे उसको भी दिखाऊंगी। और जिस तरफ मेरा गमला है, स्पाइडर प्लांट मेरा मैं लटक के रखी हूँ, ज़्यादा बेबी प्लांट जो ग्रो हुआ था उसी से ही लाइट डेकोरेशन हम शुरू किए थे। इस तरह ये दरवाजे के पास मैं लाइट डेकोरेशन ऊपर में थोड़ा की हूँ सिंपल। और ये नीचे वाला हिस्सा जिस तरफ में, जिसी जगह में मैं मनी प्लांट पहले रखी थी उसी जगह में किचन का ये सेल्फ है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये सेल्फ में मैं गमला छोटा छोटा जो मेरा मनी प्लांट कोलियस जो मुझे लगा सुंदर दिखेगा उसी को मैं डेकोरेशन की हूँ, उसको अंदर में रखी हूँ सेल्फ में और उसके ऊपर ये लाइट सजाई हूँ। इस तरह देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो मनी प्लांट मेरा छोटा छोटा गमला था मैं कुछ सजा के रखी थी, आप लोगों को भी पहले ब्लॉग में दिखाई हूँ। और इस तरह ऊपर में ये वाला रखी हूँ कोलियस का, क्योंकि एंट्रेंस का ये जगह मुझे खाली खाली लग रहा था इसीलिए इस तरह मैं थोड़ा सा आइडिया की हूँ। जल्दबाजी में मुझे ये ठीक लगा और सुंदर भी दिखा।
आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये सिंपल डेकोरेशन है, मुझे लग रहा है आप लोग भी पसंद करेंगे, इस तरह भी हो सकता है। और ऐसे कुछ दिख रहा था, और तुलसी माँ जिस तरफ है उसी तरफ भी इस तरह थोड़ा थोड़ा लाइट डेकोरेशन किए हैं, और दीपक अभी मैं दे रही हूँ, पहले जुगाड़ करके रखी है बेटी, सब दिया बाती सब सजा के रखी है। मैं जो जो जहाँ लगाना है उनको भी थोड़ा बता दे रही हूँ, और कुछ मैं भी लगा रही हूँ, इसी तरह काम हो रहा था। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं घर में बहुत सारे काम होते हैं, और ये बाहर का थोड़ा आज मैं ब्लॉग में भी दिखाई हूँ, अंदर का पूजा कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। और यहाँ पे बेटी कुछ और दिया बाती जुगाड़ में लगी हैं, जो जो जगह रह गया है उसी जगह में कुछ दीपक हम दे देंगे, और इसी तरह कुछ हमारा ये दिवाली सेलिब्रेशन हुआ था दीपक और लाइट डेकोरेशन का कुछ व्यू। और उसके बाद हर घर में जैसे होता है कुछ एंजॉयमेंट हम भी किए थे। इस तरह कुछ हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हुआ था। मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे, और इसी के साथ ही ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय फ्रेंड्स।